गुड मॉर्निंग एवरी वन दिस इज रोवी राठौर योर साइंस टीचर स्टूडेंट टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू अवर सेम टॉपिक हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज स्टूडेंट यू नो वेरी वेल सम माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर यूजफुल एंड सम एक्ट लाइक एज अ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिम्स हार्मफुल कि कहते हैं बच्चों हार्मफुल हम उन्हें कहते हैं जो किसी भी तरह से चाहे फिजिकली हो या इंटरनली हमको किसी भी तरह से अगर हार्म करते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हमारे कैसे होते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गनिम्स की कैटेगरी में आते हैं ओके सो देयर आर मैनी माइक्रोब्स विच कॉज सेवरल डिसीजेज इन प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आप जानते हैं कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गनिम्स ऐसे हैं जो बीमारियों का कारण बनते हैं बीमारियों का कारण बनते हैं सच तो कैसी बीमारियां होती हैं चाहे वो प्लांट रिलेटेड डिजीज़ हो या फिर वो ह्यूमन रिलेटेड डिजीज़ हों सच डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिम्स आर द दैथजेंस इस तरह के डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिम्स को क्या कहा जाता है ओके सो इनक्लूड वैक्टीरियाजाजुआ एक्सेट्रा पैथाजेंस आपके कुछ भी हो सकते हैं इट मीन डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेम्स किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं दे मे वी वैक्टीरिया दे मे बी वायरस दे मे बी फंजाई एंड दे मे बी प्रोटोजुआ ओके सो नाउ इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस डिज कॉज्ड पैथजेंस हम इस चैप्टर में इस सेक्शन में इस वीडियो में बहुत सारे डिसीज कॉजिंग पैथजेंस के बारे में स्टडी करेंगे डिसीज क्या है स्टूडेंट द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज डिसीज एक्चुअल में डिसीज है क्या देन वी कैन से दैट डिसीज इज फीलिंग अनवेल जब भी हमें कुछ अच्छा महसूस नहीं होता तो देअर इज अंडीशन फॉर हैपनिंग अ डिसीज कोई बीमारी होने की वहाँ पे कंडीशन हो सकती है सो डिसीज इज आ डिज आप बोल सकते हैं डिसीज क्या है, एक disturbed ease है. और वी कैन से रिजल्ट इन चेंज इन द आइदर फंक्शनिंग ऑर द एपियरेंस ऑफ बन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी फॉर बर्स या फिर हमारे बॉडी का जो सिस्टम है उसके कोई ऑर्गन हैं अगर उनकी अपेयरेंस अच्छी नहीं है या फिर अपियर होने मतलब वो जैसे हमको दिखाई दे रहे हैं हमको लग रहा है कि ये सही से वर्क नहीं कर रहे उनकी अपेरेंस अच्छी नहीं है उनकी फंक्शन की अपेरेंस अच्छी नहीं है तो ये किसी न किसी डिसीज़ का कारण हो सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमारे बॉडी में हेड एक होता है तो हेड एक की कंडीशन में क्या होता है कि हम अपने जो प्रॉपर टारगेट होता है या फिर जो वर्क होता है हम उस पर कंसनट्रेट नहीं कर पाते इट मीन्स हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग उसमें डिस्टर्ब होती है सो एनी डिसीज़ कॉज या एनी डिसीज इज़ अ कंडीशन ऑफ फीलिंग अनवेल जब भी हमें किसी भी चीज़ में अच्छा महसूस नहीं होता अपने शरीर से रिलेटेड अपनी बॉडी से रिलेटेड तो हम कह सकते हैं यहाँ पर डिसीज होने की संभावना है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनी डिसीज़ नाउ कम टू द टॉपिक डिसीज इन ह्यूमंस ह्यूमंस में कौन सी डिसीज होती हैं तो यहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो ह्यूमंस में होती हैं बट अ बेसिक डिजीज इज नोन एज द टाइफाइड एक बेसिक डिजीज का नाम है जिसे हम बोलते हैं टाइफाइड टाइफाइड जनरली बहुत बार सुना होगा कोई भी टाइफाइड से ग्रसित हो सकता है अब बात आती है कि टाइफाइड किसके कारण होता है ये बीमारी जो है वो किसके कारण होती है तो आंसर इज बाई पैथोजि किसके द्वारा होती है पैथाजिंस के द्वारा होती है देन द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट विच पैथजन इज बिहाइंड टू है टाइफाइड टाइफाइड के होने में कौन सा पैथजन काम करता है या उसके पीछे कौन सा पैथजन होता है देन द आप बोल सकते हैं इट इज अ बैक्टीरिया विच बैक्टीरिया बैक्टीरिया इज सेलमोनेला टाइफाइड ये जो बैक्टीरिया है ये टाइफाइड का कारण होता है तो आप बोल सकते हैं सेलमोनाला सेलमोनेला टाइफाई कॉजेस टाइफाइड ये किसका कारण है टाइफाइड का कारण है ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ये होता कैसे है सो वी कैन से दैट वाई इनटेक ऑफ कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर जब भी हम कोई कॉन्टेमिनेटेड फूड या वाटर को लेते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्राइमरी रीच करता है इसके बाद क्या होता है इसके बाद जो इसके सिम्टम आते हैं द सिम्टम इज़ और द सिम्टम्स आर हाई फीवर हेड एक वीकनेस स्टमक एंड कॉन्स्टिपेशन लॉस ऑफ एपाटाइट ये आपके क्या होते हैं सिम्टम होते हैं नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज दैट यहाँ पर कौन सा ट्रीटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं विच ट्रीटमेंट कैन बी यूज इन टाइफाइड सो वी कैन से दैट तो फर्स्ट कंडीशन इज डायग्नोसिंग डायग्नोसिंग किसके द्वारा होगा यूजिंग ब्लड कल्चर यूरिन कल्चर और द वाइडल टेस्ट इट मीन्स हमें ब्लड टेस्ट कराने पर पता चलेगा कि हमको क्या है टाइफाइड है नाउ जब डायग्नोसिस हो जाएगा तो उसके बाद ट्रीटिंग विद ए कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसन्स हमको लगभग दो या तीन महीने का एक एंटीबायोटिक मेडिसन्स का कोर्स कराया जाता है टाइफाइड से कम्प्लीटली रिकवर होने के लिए ओके स्टूडेंट सो हेयर वी कैन से दैट टाइफाइड इज अ बेसिक डिसीज विच फाउंड इन द ह्यूमन बींग दैट रिजल्ट अ बैक्टीरिया ओके सो नाउ The second condition is disease in humans is pneumonia. Second disease कौन सी है आपकी जिसे हम बोलते हैं pneumonia. pneumonia भी किसका कारण होता है pathogen के कारण होता है कौन सा pathogen pneumonia के लिए uh, result मतलब कह सकते हो कौन सा pathogen है जो pneumonia के लिए वो कारण बनता है तो आपका कह सकते हो कि स्ट्रेप्टोकोकस ये आपके बैक्टीरिया का नाम क्या है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी तो आपका ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो बैक्टीरिया है ये निमोनिया का कारण बनता है दूसरा होता है बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इट इज आल्सो द कॉज ऑफ निमोनिया ओके सो so, अब बात आती है कि इनका पाथवे क्या होता है ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं सो द एंट्री इनकी कैसे होती है एंट्री देखिए एंट्री थ्रू द कॉन्टमनेटेड एयर यानी कि जब हवा हमारी कैसी होती है कॉन्टमिनेटेड होती है और वो हवा हम इनहेल कर लेते हैं तो उस हवा की इन्हेलेशन से ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अंदर जाते हैं कॉन्टमिनेटेड एयर इन्हेलेशन ऑफ द ड्रॉपलेट्स रिलीज बाई द इन्फेक्टेड पर्सन प्राइमरली रीच लंग्स ये सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं हमारे लंग्स में पहुँचते हैं उसके बाद एलोवली गेट इन्फेक्टेड जो हमारे लंग्स में एलोविलीज होती हैं ये उनको क्या कर देते हैं इन्फेक्ट कर देते हैं नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सिंपल से फिगर के जरिए आपको दिखाया गया है कि ये हमारे लंग्स हैं इन्फेक्टेड पर्सन अगर कहीं स्नीजिंग करता है या इंग करता है या खाँसता है तो उसके द्वारा जो ड्रॉपलेट्स एयर में मिक्स हो जाते हैं वो एयर आपकी कॉन्टामिनेट होती है और जब वो कॉन्टामिनेटेड एयर किसी हेल्दी पर्सन के द्वारा इंटेक की जाती है तो ये बैक्टीरिया उसके लंग्स में जाके एलवलीस को अफेक्ट करते हैं अब निमोनिया के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं सिम्टम्स क्या हैं तो आप बोल सकते हैं कि सिम्टम्स इसके हो सकते हैं हाई फीवर चिल्स कफ शॉर्ट ब्रीथ और हेड ओके नाउ नेक्स्ट ब्लूइस लिप्स हमारे जो लिप्स हैं वो कैसे हो जाते हैं ब्लूइस हो जाते हैं फिंगर नेल ये कैसे हो जाते हैं ब्लूइस हो जाते हैं जनरली हम निमोनिया जिसे कहते हैं कि सर्दी हो जाती है और वो सर्दी एक मतलब जो कोल्ड है वो किसी को बहुत सीरियस कंडीशन में जब होता है तो हम उसको निमोनिया कहते हैं ओके okay? सो so, और साथ में क्या होती है वीकनेस दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द निमोनिया नाउ ट्रीटमेंट क्या है निमोनिया के लिए देन निमोनिया का सबसे पहले डायग्नोसिस होना जरूरी है तो डायग्नोसिस होता है यूरिन टेस्ट के द्वारा म्यूकस टेस्ट के द्वारा या चेस्ट एक्सरे के द्वारा ट्रीटमेंट क्या होता है इसका देन ट्रीटेड विद ए कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन हम बैक्टीरिया बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों में एंटीबायोटिक मेडिसंस का यूज़ करते हैं तो एंटीबायोटिक मेडिकेशन के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट डिसीज़ इस कॉमन कोल्ड कॉमन कोल्ड के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं एक कॉमन सी डिसीज है ये भी किसके द्वारा होती है ये भी डिसीज पैथोजन के द्वारा होती है अब बात यह आती है कौन सा पैथोजन इसके लिए कॉमन कोल्ड के लिए कारण बनता है तो पैथोजन होता है वायरस यहाँ पर आपने देखा कि ऊपर जो टाइफाइड हमने रीड किया था और दूसरा निमोनिया रीड किया था वो बैक्टीरिया के द्वारा जनित बीमारियाँ थी बट कॉमन कोल्ड किसके द्वारा जनित बीमारी है वायरस के द्वारा कौन सा वायरस होता है इसके लिए जिम्मेदार तो आप बोल सकते हैं राइनो वायरस अब बात ये आती है कि पैथोजन की एंट्री हमारी बॉडी में कैसे होती है सो so, एंट्री के लिए थ्रू द कॉन्टेमिनेटेड एयर इनहेल द ड्रॉपलेट्स रिलीजिंग बाई द इन्फेक्टेड पर्सन नोज एंड रेस्पाइरेटरी पासिस गेट इन्फेक्टेड लंग्स रिमेन अनअफेक्टेड यानी कि जो हमारा रेस्पाइरेटरी ट्रैक है इस वायरस के द्वारा वो इन्फेक्ट होता है बट लंग्स हमारे अनफेक्ट रहते हैं ओके सो सिम्टम्स इसके क्या हैं? तो कॉमन कोल्ड के सिम्टम आप सभी को पता होंगे क्योंकि सब किस हर किसी को कॉमन कोल्ड हो चुका होगा सो स्टूडेंट हेयर वी कैन से दैट सिम्टम्स आर सोर थ्रॉट कफ हेड एक् ने कॉन्जेजेशन नाउ नेक्स्ट नेसल डिस्चार्ज एंड हॉर्नेस यानी कि हमारा जो गला है वो भारी हो जाता है नेसल डिस्चार्ज यानी कि नाक से पानी निकलता रहता है नेसल कॉजनेशन होज कॉन्जेशन होता है और साथ में ही हेड एक होता है कफ होता है गला सूझ जाता है एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें आपकी किस में काम आती हैं ये सारी चीज़ें आपकी कॉमन कोल्ड का एक सिम्टम होती हैं सो स्टूडेंट नाउ कम टू द नेक्स्ट हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं देन ट्रीटमेंट ट्रीटेड विद द मेडिकेशन लाइक पेन किलर कफ सिरप और द नेसल स्प्रे हम पेन किलर लेकर कफ सिरप लेकर नेसल स्प्रे लेकर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स डू नॉट हेल्प अ वायरल इन्फेक्शन ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बैक्टीरिया से जनित बीमारियों में हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं क्योंकि उनकी जो पाथवे होता है उनको किल करने का वो अलग होता है और वायरस को किल करने का पाथवे अलग होता है वायरस से जनित बीमारियों में एंटीबायोटिक्स कोई भी काम नहीं करते ओके okay? क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल इनका पाथवे ऑफ सर्वाइवल बिल्कुल कैसा होता है बैक्टीरिया से अलग होता है नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट डिसीज़ इन ह्यूमंस नेक्स्ट डिसीज़ पे आते हैं विच इज़ नोन एज द मलेरिया मलेरिया ये भी आपके पैथोजन से जनित बीमारी है आप जानते हो बट इसका जो पैथोजन है वो कौन होता है प्रोटोजोआ होता है कौन सा प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम ओके okay? दूसरा आप बोल सकते हो वाइवैक्स फ्लेक्सीवेरम और मलेरिया ये सारी जो कॉमन सी डिसीज़ हैं या कह सकते हो कॉमन सी जो प्रोटोजोआ हैं ये मलेरिया को क्रिएट करते हैं नाउ पैथोजन की एंट्री किसके द्वारा होती है तो पैथोजन की एंट्री होती है थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो आप जानते हो फीमेल एनोफिलीज मॉस्कीटो जब हमें काट देता है तो जो प्लाज्मोडियम नाम का पैथोजन है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है ये क्या है ये एक प्रोटोजोआ है ओके फीमेल एनोफिलिज मॉस्कीटो एक्ट एज द ट्रांसमीटिंग एजेंट ये किसकी तरह काम करता है ये ट्रांसमिटिंग एजेंट की तरह काम करता है और हमारे आर को रक्चर्ड करता है यानी कि जो हमारे आर हैं ये डायरेक्टली उन पर अटैक करता है उनको कम करता है उनको ख़त्म करता है ओके सो स्टूडेंट नाउ सिम्टम्स क्या होते हैं मलेरिया के तो मलेरिया के सिम्टम आपको पता है जनरली हाई फीवर चिल्स हेड एक बॉडी एक नोज़िया ठीक है ये सारी सिम्टम्स उसके होते हैं वॉमिटिंग होती है साथ में ट्रीटमेंट के लिए अगर मैं कहूँ तो ट्रीटमेंट आपका ब्लड टेस्ट के द्वारा लिवर फंक्शनिंग टेस्ट के द्वारा होता है और एंटी मलेरियल डिसीज ड्रग्स का इसके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है नाउ लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरिया पैरासाइट अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है कि मलेरिया पैरासाइट की लाइफ साइकिल कैसी होती है सो हेयर यू कैन रीड दिस प्लाज्मोडियम पैरासाइट हैज़ टू होस्ट इसमें कितने होस्ट होते हैं इसके दो होस्ट होते हैं दिस पैरासाइट स्पेंड हाफ ऑफ इट्स लाइफ साइकिल द द द द द ह्यूमन ह्यूमन एंड एंड रिमेनिंग हाफ मॉस आर टू होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट कहने का मतलब ये है कि जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ये जो प्रोटोजोआ है इसके दो होस्ट होते हैं होस्ट क्या होते हैं बेटा होस्ट उनको कहते हैं जिन पर माइक्रो ऑर्गनिम्स बैठ कर या फिर कह सकते हो जिनके द्वारा माइक्रो ऑर्गनिम्स अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाते हैं जिनसे वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फॉर एग्जांपल होस्ट में अगर मैं बोलूं कि वायरस के लिए होस्ट क्या हो सकता है तो वायरस के लिए होस्ट कोई भी लिविंग सेल हो सकती है क्योंकि वो अपना न्यूट्रिशन उसी लिविंग सेल से प्राप्त करेगा ओके तो यहाँ पर आधी लाइफ साइकिल तो प्लाज्मोडियम बैक्टीरियम प्रोटोजोआ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर करता है और रिमेनिंग लाइफ साइकिल को ह्यूमन बींग के अंदर करता है ओके मॉस्किटो वाइट एंड इन्फेक्टेड पर्सन मच्छर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है टेक्स अप गैमेटोसाइड गेमेटोसाइड को लेता है उसके डेवलपमेंट ऑफ द गेमेटोसाइड अकर इन मॉस्कीटो गेमेटोसाइड जो मच्छर इन्फेक्टेड पर्सन से लेकर आया है वो मच्छर के अंदर डेवलप होता है इस्पेरो आर फॉर्म्ड एंड स्टोर्ड इन द ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो और इसके जो इस्पेरो हैं वो मच्छर के ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं द सेम मॉस्किटो देन वाइट्स ए नॉर्मल पर्सन अब उसके ग्लैंड में जब ये बैक्टीरिया कम्प्लीटली अटैच है या कह सकते हो वहीं पर ही रह रहा है तो जब वो मच्छर किसी नॉर्मल पर्सन को काटेगा इंजेक्ट द स्पैरोजॉइट्स तो स्पेरोजॉइट्स उसके सिल्वेरी ग्लैंड से नॉर्मल पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट हो जाएंगे डेवलपमेंट ऑफ द स्पैरोजॉइट्स अकर इन द लिवर सेल इनसाइड द बॉडी ऑफ दैट पर्सन उसके बाद वो इस्पैरोजॉयट्स जो हैं वो लिवर सेल में बॉडी के अंदर जाएंगे और जो आर हैं हमारी उनको रप्चर करेंगे द पर्सन दैट सफ़र फ्रॉम मलेरिया और पर्सन को क्या हो जाएगा मलेरिया हो जाएगा गैमेटोसाइड आर फॉर्म्ड विच गेट अप बाई द मॉस्किटो वैन दे वाइट द पर्सन अगेन अब अगर फिर से मच्छर नॉर्मल पर्सन जिसे मलेरिया हुआ है उसे काटते हैं तो यही लाइफ साइकिल दोबारा फिर से परफॉर्म होगी यू कैन सी दिस ओके सो नाउ स्टूडेंट हेयर द सेकेंड डिसीज इज़ कॉलरा अब हम अपनी सेकेंड डिसीज पर आते हैं जिसे बोलते हैं कॉलरा कॉलरा किसके द्वारा होता है कॉलरा ये भी एक पैथजें से जनित बीमारी है कौन सा वैक् इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्ग्निम्स काम करता है तो माइक्रो ऑर्गनिम है बैक्टीरिया बैक्टीरिया कौन सा है विवरियो कॉलरी ओके सो अब इसका पाथवे देखते हैं इसका पाथवे क्या है बॉडी मेंटेन करने का सो so, आप बोल सकते हैं कॉन्टेमनेटेड फूड एंड वाटर पैथोजेंस रिलीजेस टॉक्सिन इन इंटस्टाइन ये जब हम कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर को लेते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारी स्मॉल इंटस्टाइन में जाता है और वहाँ ये टॉक्सिन को रिलीज करता है उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट फूड पॉइजनिंग जिसे हम बोलते हैं बॉडी में फूड पॉइजनिंग होती है सिम्टम होते हैं वाइटरी वाटरी डायरिया लोगों को डायरिया हो जाता है वॉमिटिंग होती है डिहाइड्रेशन होता है वीकनेस होती है मसल क्रैम्प्स होते हैं प्यास लगती है थ्रस्ट होता है अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे तो ट्रीटमेंट आप बोल सकते हैं ओरल ओर इंट्रावेनियस सॉल्यूशन को लेना होता है टू कंपेंसेट फॉर द डिहाइड्रेशन यानी कि जो आपके इंट्रावेनियस सॉल्यूशन होते हैं वो हमें डिहाइड्रेशन से बचाते हैं एक्सट्रीम केस कैन बी ट्रीटेड विद द एंटीबायोटिक मेडिकेशन जनरली हम एंटीबायोटिक मेडिकेशन का इस्तेमाल करेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए नाउ नेक्स्ट डिसीज इज मीजल्स अब जो दूसरी बीमारी है वो हमारी नेक्स्ट डिजीज़ कौन सी आती है मीजल आती है मीज़ल किसके द्वारा होती है ये वायरस के द्वारा होती है वायरस का नाम है पैरामाइक्सो वायरस पैरामाइक्सो वायरस अब ये करता ये हमारी बॉडी में एंटर कैसे होता है ट्रांसमिटेड थ्रू द ड्रॉपलेट्स फ्रॉम नोज थ्रॉट माउथ हाईली इन्फेक्टियस चिल्ड्रन आर मोर टू इन्फेक्शन यानी कि आप बोल सकते हैं जनरली ड्रॉपलेट्स के द्वारा एयर में जो ड्रॉपलेट्स होंगी उसके थ्रू हमारे चाहे वो एयर ड्रॉपलेट्स हम अपनी नोज़ के द्वारा इनहेल करें मुंह के द्वारा करें या कैसे भी करें हमारी बॉडी में अंदर चला ही जाएगा हाईली इन्फेक्ट होता है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट माना जाता है सिम्टम्स होते हैं ड्राई कफ ड्राई कफ होता है जिसे हम सूखी खांसी कहते हैं वाटरी आइज स्नीजिंग माइल्ड फीवर एक्सेट्रा ट्रीटमेंट आप इसका कैसे करेंगे तो ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए ट्रीटमेंट विद द मेडिकेशन लाइक द कफ सिरप जनरली सूखी खांसी होगी तो कफ सिरप लेना ही पड़ेगा पैरासीटामोल को हम ले सकते हैं इसमें फ़ायदेमंद होती है विटामिन ए सप्लीमेंट ले सकते हैं एंटीबायोटिक्स डू नॉट हेल्प अ वायरल इन्फेक्शन यू नो वेरी वेल ना स्टूडेंट हेयर द नेक्स्ट डिजीज इज चिकन पॉक्स चिकन पॉक्स भी पैथोजन से जनरेटेड एक बीमारी है बट चिकन पॉक्स के लिए पैथोजन कौन सा काम आ, काम करता है वायरस कौन सा वायरस चिकन पॉक्स को बॉडी में लाता है वो है वेरीसेला। ये वेरीसेला वायरस जो है ये बॉडी में जैसे ही एंटर होता है तो ह्यूमन को चिकन पॉक्स हो जाता है नाउ इसकी एंट्री कैसे होती है तो एंट्री बिल्कुल वैसे ही ट्रांसमिटेड थ्रू द ड्रॉपलेट्स फ्राम इसनीज कफ और द कॉन्टेक्ट हम लोग बोलते हैं कि किसी को अगर चिकन पॉक्स है तो उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं रहना चाहिए रीजन यही है कि उसकी बॉडी से ये वायरस एयर में मिलता रहता है एयर को कॉन्टामिनेटेड करता है और अगर उसी कॉन्टामिनेटेड एयर को कोई हेल्दी पर्सन लेगा तो उसकी बॉडी में भी ये वायरस एंटर कर जाएगा हाईली इंफेक्टियस एज लॉन्ग एज द रेसेस एग्जिस्ट बहुत ज़्यादा इन्फेक्टियस होता है आप जानते हो और बॉडी पर रेसेस पड़ जाते हैं नाउ सिम्टम इज इची रेस जो रेस होते हैं वो बहुत ज्यादा इची होते हैं फीवर आता है लॉस ऑफ एपाटाइट होता है होता है कफ होता है गला हमारा कैसा हो जाता है सूज जाता है भारी हो जाता है ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं ट्रीटेड विद द एंटी वायरल ड्रग एंटीबायोटिक्स डू नॉट हेल्प ए वायरल इंफेक्शन ओके नाउ प्रिवेंशन फ्रॉम द इनफेक्टेड डिसीजेज इन ह्यूमन बींग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब बीमारियां तो इतनी सारी आपने रीड की हैं एयर है, वो सारी, वो सारी है? से जनरेटेड लेने से कॉन्टाम वाटर लेने से हुए यानी कि कॉन्टेमिनेटेड एयर वाटर तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो चीजें कॉन्टामिनेटेड होंगी ही नहीं और अगर हम इन्फेक्टेड इन्फेक्टियस पर्सन के क्लोज नहीं रहेंगे तो भी हमें बीमारियां नहीं होंगी सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एक सेंटेंस बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हमें बीमारी हो जाए उसके बाद अगर हमें उसकी केयर करनी पड़े इससे बेटर है कि हम उस बीमारी से प्रिवेंट ही रहें उससे बचे ही रहें बचाव इलाज से ज़्यादा बेहतर होता है वी शुड टेक केयर फॉर द फॉलोइंग स्टेप्स सो द मेंटेन पर्सनल क्लिनिनेस यानी कि जो हमारी पर्सनल क्लिनिनेस है हमारी जो खुद की हाइजीन है हम उसको कैसा रखें मेंटेन रखें एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जनरली पानी को हमेशा साफ लेना चाहिए वेजिटेबल फ्रूट्स को हमेशा कंजप्शन से पहले धोना चाहिए प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए एक्सक्रीट का और अवॉइड द इंस्टेगनीशन ऑफ वाटर यूज मॉस्किटो रिप्लेनेंट्स मच्छरों से जनरली बचाव रखना चाहिए दूसरा स्प्रिंग इंसेक्टिसाइड इन द ड्रेनेज एरिया इंसेक्टिसाइड का समय समय पे छिड़काव करना चाहिए ये सारे आपके प्रिवेंशन के क्या हो सकते हैं तरीके हो सकते हैं ओके स्टूडेंट इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी हाउ माइक्रो ऑर्गनिम्स अफेक्ट इन एनिमल्स ओके